हाय दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख लिया होगा, हम लोग बात करने वाले एक सॉन्ग के बारे में, जिसका नाम है हीर रांझा, जिसे गाया रितो रिबा ने। और ये गाना इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी था और बाद में इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया गया प्ले DMF चैनल पे। और इस सॉन्ग का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं सुना है तो यार पहले ओरिजिनल सॉन्ग जाके सुन लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस चैनल को सपोर्ट दीजिए। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर हाईली एक्टिव हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का भी, तो वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सॉन्ग के बारे में। इसका नाम है हीर रांझा, इसे गाया है रितो रिबा ने और इन्होंने इस गाने को कंपोजिशन दिया है और उन्होंने भी लिरिक्स दिया है राणा सोतल के साथ मिलकर। तो सबसे पहले तो यार बाकमाल सिंगिंग, बाकमाल लिरिक्स, बाकमाल कंपोजिशन, बाकमाल यानी कैची कंपोजिशन। गाना सुनते ही आपको एक रोमांटिक वाली फील आने लगती है। और सबसे बड़ी USP सॉन्ग की है सिंगिंग, आपको दूसरी चीज़ें फॉलो करने की सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी बढ़िया उनके अंदर डेप्थ है आवाज़ में। तो खैर वो बात बोलना चाहूँगा कि हाँ सिंगर बहुत बाकमाल है, तो हैट्स ऑफ टू रितो। मैंने इस सॉन्ग को सबसे पहले सुना था इंस्टाग्राम रील्स पे, मुझे लगा कि ये गाना गाया होगा राघव चैतन्या ने। खैर राघव चैतन्या अगर जो लोग नहीं जानते बता दूँ, यूट्यूबर है और इज़ ऑल्सो ए प्रोफेशनल सिंगर। तो मुझे लगा उन्होंने ये गाना गाया होगा, काफ़ी हद तक मुझे साउंड मैच भी लगती है रितो और राघव की, तो आई थॉट ही सेंग। तो बात करते हैं अब म्यूजिक प्रोडक्शन की। म्यूजिक प्रोडक्शन दिया है रजत नागपाल ने और इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि साउंड जो है बहुत यूनिक है, लेकिन साउंड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग बिल्कुल है। जो इस सॉन्ग की डिमांड थी कि एक लव सॉन्ग, एक रोमांटिक वाला सॉन्ग चाहिए, वो साउंड सिलेक्शन उन्होंने रखा है। टिपिकल जैसे हम लोग गिटार्स रखते हैं, हम लोग पैड का साउंड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बेस का साउंड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ग्रूव की बात करें तो वहाँ पे किक, स्नेयर या क्लैप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें ग्रूव की बात करें तो जो इनिशियल है वहाँ पे तो जब अकुस्टिक गिटार्स बजते हैं उसके नीचे किक और क्लैप बज, देन इलेक्ट्रिक गिटार जब प्ले होते हैं, जो लास्ट जब हुक आता है उसमें इलेक्ट्रिक गिटार प्ले होते हैं और इलेक्ट्रिक गिटार के नीचे अकुस्टिक ड्रम्स प्ले हो रहे हैं बेसिकली। तो ये एक साउंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा था उनका, रजत नागपाल का। दूसरी, रजत नागपाल ने इसमें मिक्सिंग भी की है तो इसमें वोकल प्रोसेसिंग भी ऑब्वियसली उन्होंने की है, तो वोकल प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। और उसके अलावा गिटार्स की बात करें तो शोमू सील ने गिटार प्ले किए हैं और जैसे मैंने कहा पिछले वीडियो में वराह रूपम में मैंने बोला था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार ने जैसे बांधे रखा था पूरा थ्रू आउट द सॉन्ग, इंट्रो से लेके एंड तक वो थे। और यहाँ भी इंट्रो से लेके एंड तक पहले अकुस्टिक गिटार की जो मेलोडी आती है वहाँ से इंट्रो है, और यहाँ भी इन्होंने अलग अलग ऑक्टेव में प्ले किया है ताकि वो साउंड बहुत रिच साउंड करे। और उसके बाद में देन उन्होंने RPGO के तौर पे, फिलर्स के तौर पे आगे सोलो भी प्ले किया उन्होंने वहाँ पे, फिर देन यू नो इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर भी उन्होंने अकॉम्पलीमेंट दिया है। तो ही इज़ थ्रू आउट द सॉन्ग। ये था मेरा सॉन्ग का रिव्यू और कैसा लगा ज़रूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।